वहीं नेपाल में भारी बारिश से यूपी और बिहार की कई नदियां उफान पर है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गोरखपुर के 60 गांव इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न है। वाराणसी के कई घाट में वहां पर जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। नदियां उफान पर, मुसीबत आसमान पर, सैलाबी सितम, गांव गांव जलमग्न। राप्ती से गंडक, सैलाब के पंथक। कुदरत के आगे बेबसी, कई राज्यों में जल इमरजेंसी। नेपाल में भारी बारिश हुई तो यूपी की नदियों में उफान भी देखने को मिला। हालात ये है कि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई गांवों में नाव चलने लगी, लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। नेपाल से सटे यूपी के 16 जिलों में बाढ़ के हालात। खतरे के निशान से ऊपर बह रही तीन नदियां, उफान पर राप्ती, बूढ़ी राप्ती और क्योनो नदी। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में हालात खराब। गोरखपुर के 60 से ज्यादा गांव डूबे। बस्तियों में प्रशासन ने लगवाई नाव। हर तरफ दिख रहा पानी ही पानी। घरों की छतों पर गुजर रही लोगों की रातें। यूपी में 24 घंटे में डूबने से 6 लोगों की मौत। नदियों के जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा में डूब गया। ये दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। इस समय वाराणसी के मणिकंटका घाट पे हूँ और आप देख सकते हैं कि गंगा का जल स्तर प्रति 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है यहाँ पे जो है गंगा के जलस्तर में बढ़ाव दर्ज की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। ऐसे सैकड़ों मंदिर, छोटे बड़े मंदिर, गंगा जी के घाट के किनारे जितने मंदिर हैं वो बिल्कुल जो है वो जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ों में बारिश होने की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी के आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। कई गांवों में लोग घरों से निकलने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। भारी बारिश से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। गंगा का जलस्तर 112 मीटर मापा गया। अभी जलस्तर और बढ़ने के आसार। उन्नाव के कई गांवों में भरा पानी। गांवों में पानी भरने से लोग पलायन को मजबूर। बैराज बांध से 2,75,977 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नरौरा बांध से 25,060 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हरिद्वार से 36,180 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं नेपाल में लगातार बारिश की वजह से बिहार के बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बेतिया के योगपट्टी, नौतन और बैरिया प्रखंड के 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं अररिया के परमान नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।